कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी है कि वह फिल्म फेयर अवार्ड्स के खिलाफ मानहानि का दावा करने वाली हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा है, 2014 के बाद मैंने फिल्म फेयर जैसे अनएथिकल, करप्ट और अनफेयर प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुझे उनसे लगातार कॉल आ रहे हैं ताकि इस वर्ष मैं उनके अवार्ड फंक्शन में भाग लूं, क्योंकि वह मुझे फिल्म थलाइवी के लिए अवार्ड देना चाहते हैं। मुझे बहुत शॉक लगा है कि वह अभी भी मुझे नॉमिनेट कर रहे हैं। यह मेरी डिग्निटी, वर्क एथिक्स और वैल्यू सिस्टम को नीचा दिखाने वाला है। मैं प्रैक्टिसेस को प्रोत्साहित नहीं करूंगी, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं उन लोगों पर मानहानि का मुकदमा करूंगी। धन्यवाद। इसके बाद अब मैगजीन ने एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जारी करते हुए कंगना का नॉमिनेशन ही वापस ले लिया है। फिल्म फेयर अवार्ड ने कंगना के बयान के जवाब में कहा है, एक्ट्रेस को अवार्ड दिए जाने के बारे में या इवेंट में किसी परफॉर्मेंस के लिए नहीं कहा गया था। मैगजीन ने इस मैसेज को पब्लिश भी किया है जो कंगना को इस नॉमिनेशन के लिए भेजा गया था। इस मैसेज में लिखा था, हेलो कंगना, आपको फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेशंस के लिए बधाई। यह खुशी की बात होगी कि आप वहां मौजूद रहें। कृपया 30 अगस्त को मुंबई के BKC में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अपनी उपस्थिति कंफर्म करें, जिससे आपकी सीट रिजर्व करने में मदद मिलेगी। कृपया अपने घर का पता हमें भेज दें ताकि हम आपको निमंत्रण भेज सकें। मैगजीन ने अपने इस लंबे मैसेज में यह भी कहा है कि कंगना के लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। वे कंगना को फंक्शन में बुलाकर सभी फिल्म एक्टर्स के साथ इंडियन सिनेमा को सेलिब्रेट करना चाहते थे। बता दें कि कंगना पहले भी 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी हैं, जिसमें वो 2 बार अवार्ड फंक्शन में खुद मौजूद भी रही थी। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए ABP एंटरटेनमेंट।